हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली उड्डा। टुडेज अवर टॉपिक इज़ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को हाइयर कंसंट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसको देने का पर्पस क्या होता है? जब भी हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसको रिलीफ देने के लिए टिश्यू या ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब आते हैं इसके इंडिकेशन पर, कब कब हम इसको यूज़ करते हैं। इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। इंट्रा ऑपरेटिवली जब भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, इसीलिए उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए हम उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। टिश्यू या ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। सीवियर ट्रोमा। किसी ट्रोमा के टाइम पर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण टिश्यू तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाती। MI के केस में, बर्न के केस में, इन सब केसेस में हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं। अब आते हैं कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं। पहला आता है नेजल कैथेटर। नेजल कैनूला के एडवांसमेंट के साथ इसका यूज़ कम हो गया है। इसमें होता क्या है, हम एक हीटर लेते हैं, उसको नोज टिप से लेकर ईयर लोब तक मेजर करते हैं, फिर उसको इंसर्ट किया जाता है नोस्टिल के थ्रू नेजो फेरिंग तक। ऑक्सीजन कैथेटर के डिस्टल पार्ट में 2 सेंटीमीटर में पोर्स बने होते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अगर हम पहले लेफ्ट नोस्टिल में लगाते हैं तो 8 आवर बाद हमें राइट में चेंज करना होता है, वरना स्टेनोसिस होने लगता है। अब आते हैं इसके फ्लो रेट पर। इसका फ्लो रेट होता है 2 से 4 लीटर पर मिनट। हम इसको नोस्टल से इंसर्ट कराते हैं और नेसोफेरिंग में छोड़ते हैं, ये काफ़ी पेनफुल होता है और ये हेमरेज और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन अकर्स कर देता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, नेजल कैनुला। इसमें 2 प्रोन्स होते हैं जिनकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होती है। हमें लॉन्ग टाइम के लिए लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होता है। इसमें हम 24 से लेकर 44% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिलीवर्ड करते हैं। मोस्टली यूज़ किया जाता है COPD के पेशेंट्स में। फ्लो रेट होता है इसका 1 to 6 लीटर पर मिनट। जब भी हम 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा एडमिनिस्टर करते हैं, उसको हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, वरना वो म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस कोज करा देता है। जो पर्सन माउथ ब्रीथिंग करते हैं, उनके लिए मेथड इनअप्रोप्रिएट होता है। इसमें होता क्या है, कर्व के फॉर्म में 2 नेजल प्रोन्स होते हैं जिनको हम दोनों नोस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं और ट्यूबिंग्स को हम ईयर्स पर हैंग कर देते हैं, क्योंकि ट्यूबिंग्स ईयर पर हैंग करती है और नोस्ट्रिल में प्रोन्ज इंसर्ट होता है, इस वजह से इसमें प्रेशर सोर्स भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क लाइट वेट, इनएक्सपेंसिव और इजी टू यूज़ होता है। इसमें हम 14 से 16% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिलीवर करते हैं। इसका फ्लो रेट नेजल कैनुला से ज़्यादा होता है। इसका फ्लो रेट होता है 5 से 8 लीटर पर मिनट। सिंपल फेस मास्क को ऐसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है जिसमें हमें हाई अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। अब आते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसमें मास्क के साथ एक रिजर्वायर पैक भी लगा होता है। इनलेट्स होते हैं जो ऑक्सीजन डिवाइस से जुड़ा होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन रिजर्वायर पैक में कलेक्ट हो जाती है और पेशेंट उसको इनहेल कर लेता है। एक्सहेल के टाइम पर 1/3 एयर रिजर्वायर बैग में कलेक्ट हो जाती है, बाकी एक्सहेल पोर्ट के साथ एनवायरनमेंट में आ जाती है। इसके थ्रू हम 60 से 90% कंसंट्रेशन डिलीवर करते हैं। इसका फ्लो रेट 6 से 10 लीटर पर मिनट होता है। अब आते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क। इसमें होता क्या है, इसमें भी मास्क होता है और एक रिजर्वायर बैग होता है। एक इनलेट होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। में जो एक्सहेल एयर होती है वो रिजर्वायर बैग में नहीं जाती, डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जाती है।
एनवायरनमेंट केयर रिजर्वायर बैग में भी नहीं आती। इसमें ऑलमोस्ट हम 90 to 100% कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करते हैं। इसका फ्लो रेट होता है 10 से 15 लीटर पर मिनट। कहते हैं फेस टेंट। फेस टेंट यूज़ किया जाता है जब भी फेशियल ट्रोमा होता है। इसमें हम 30 से 50% कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करते हैं। इसका फ्लो रेट होता है 4 से 8 लीटर पर मिनट।